Hi friends, welcome back. So friends, if you're new to our channel and you're watching us for the first time and you haven't hit the subscribe button yet, make sure to hit the subscribe button and the bell icon so that you get notifications of all our videos as soon as we upload them. And after watching this video, if you like it, then click the like button and share the video with your friends and family. So this video is a little different. It says Force ne kya kya dikhaya, and this is Auto Expo 2020 mein. So, I mean, I think this Force is a company, I think, because it says Force Motors, so I'm not sure. I mean, like with you have Ford and, you know, Honda, maybe Force is one company, but I haven't heard of it. So it's going to be new for me, guys. But I really want to know exactly kya kya dikhaya in Auto Expo 2020. So friends, let's go ahead and watch this. तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? अभी मैं हूँ ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर और फोर्स के आउटलेट पे खड़ा हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, फोर्स इंडिया, आप यकीन नहीं फोर्स इंडिया, कौन सी गाड़ी है, किस तरीके की गाड़ी है, क्या क्या दिखाया है फोर्स इंडिया ने इस बार ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर। सारा एक बार मैं आपको एक 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 गाड़ी करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और आपसे जैसा कमिटमेंट किया है, हर आउटलेट पे जाऊंगा, हर एक गाड़ी आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए दिखाते हैं ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर फोर्स इंडिया ने आपको क्या दिखाया है। तो दोस्तों, ये है आपका फोर्स का गुरखा। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप अगर इसकी हाइट देखेंगे, इस तरीके से देखिए कितना ज्यादा ऊंचा ये दिखाई देता है यहाँ से, भाई अल्टीमेट है। हालांकि कॉन्सेप्ट है और ये ऑफ रोडिंग, मैं तो कह रहा हूँ इसको हमर बोलो यार, हमर भी फेल है इसके सामने, तो क्या कहें। सस्पेंशन वगैरह इसका देखिए कितने बड़े बड़े दिखाए गए हैं। ऐसा प्रोडक्ट रियल लाइफ में आना तो मेरे के लिए तो लगता है फोर्स अगर ऐसी कुछ चीज लेके आती है, ये देखिए हाइड्रोलिक्स वगैरह सारा कुछ इसमें पुल करने के लिए सब तगड़े वाला सामान इसके अंदर लगा रखा है। ऊपर छत पे भी इसकी स्टेपनी रखी हुई है। साइलेंसर देखिए कहाँ पे दिया गया है, पीछे से जाके कितनी बड़ी बड़ी लाइटें दी गई हैं। ये गुरखा बिग वाला है, यहाँ पे अगर देखेंगे गुरखा कस्टमाइज है और इसकी पूरी सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं। ये फोर्स इंडिया का प्रोडक्ट है भाई, गजब लग रहा है मेरे को। तो सिर्फ ये ही फोर्स का अट्रैक्शन नहीं है, अगर आप आगे आएंगे तो इधर भी आपको एक गुरखा दिखता है, फोर्स का गुरखा दिखता है क्या बोलेंगे, लेकिन ये भी बहुत ही क्लासी फील होगा आपको। अगर आप देखेंगे लाइटिंग वगैरह बड़ी तगड़ी लग रही है, यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ वीडियो में आप पुश करके देख, गोरखा स्टैंडर्ड है वो, गोरखा कस्टमाइज्ड। तो इधर अगर आप देखते हैं तो ये तो प्रोडक्शन में है, ये तो प्रोडक्ट है, अभी भी आप मार्केट में इसको ले सकते हैं। अगर उस वाले की बात करें तो वो वाला जो मैंने आपको गुरखा दिखाई वो अभी कॉन्सेप्ट में है, अभी आने में उसको टाइम लगेगा, पता नहीं कैसा आएगा, वो बाद की बात है। लेकिन मेन अट्रैक्शन जो है फोर्स इंडिया के पास में ये दो जो गुरखा यहाँ पे दिखाए हैं, हर बंदा आगे चिपक जाता है, देखता है, इनके साथ फोटो लेता है। लेकिन हम तो आपको एक एक गाड़ी दिखाने वाले हैं, उसने अपना दिखाया है ट्रैवलर, जी हाँ टेम्पो ट्रैवलर बोल सकते हैं, नेक्स्ट जेन मोबिलिटी सॉल्यूशन है ये करके दिखाया है। अगर इधर से देखेंगे तो ये बिल्कुल लग्जरी एक टेम्पो दिया गया है, ये 13 सीटर यहाँ पे जो है नेक्स्ट जेन टेम्पो ट्रैवलर यहाँ पे बनाया गया है। और भी मैं आगे की तरफ इसका इंटीरियर वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा प्रीमियम फील होता है, फुली एसी है। और तो इधर जो यहाँ पे दिखाया गया है ये नेक्स्ट जेन मोबिलिटी सॉल्यूशन है, 100% इलेक्ट्रिक कार है ये, हालांकि इलेक्ट्रिक नहीं है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर रेडिएटर वगैरह आपको दिख जाएंगे, पर ये इलेक्ट्रिक में लाने का प्लान है फोर्स का। भाई अभी इलेक्ट्रिक कार्स का टाइम चल रहा है, हर कोई इलेक्ट्रिक की तरफ भाग रहा है। तो ये तो हो गया आप टेम्पो ट्रैवलर। अगर इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये ग्रैंड है कार्गो किंग। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे FM 2.6 आ रही है, कोई रेडियो चैनल नहीं है, FM से मतलब होता है फोर्स मोटर 2.6, यानी कि 2600 सीसी का इसका इंजन, कॉमन रेल इंजन, डीजल इंजन है आपको मिलेगा। ये कार्गो किंग बता रहे हैं यहाँ पे, और काफी बड़ा ये एक पिकअप ट्रक आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप इसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वीडियो पुश करके आप देख सकते हैं। इधर से देखिए, ये है फोर्स इंडिया का आउटलेट, इधर आप सबकी प्यारी फोर्स क्रूजर। जी हाँ दोस्तों, क्रूजर जिसके अंदर आराम से 15-16 लोग बैठ के चलते हैं। इस गाड़ी का भी आपके लिए रिव्यू अभी करने वाला हूँ मैं फटाफट से। पीछे यहाँ पे देखिए, और पीछे मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे भी कितने लोग इस गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। और ये एसी वाली यूनिट है, हाँ जो फोर्स का अभी तक ये क्रूजर आता था तो ये एसी वाला फोर्स क्रूजर है, पहले भी आता था मुझे पता अभी चला है, लेकिन मैंने जो सिल्वर कलर के चलते हुए देखे हैं
वही ज़्यादा मुझे ध्यान है। और यहाँ पे फोर्स ने डिस्प्ले किए हुए हैं अपने जो व्हीकल्स हैं फोर्स के, वो किन किन यूज़ में आते हैं, जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में बहुत ज़्यादा फोर्स चलती, फोर्स के व्हीकल चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल बस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेम्पो ट्रैवलर के अंदर आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे फोर्स की गाड़ियाँ यूज होती हैं, वो सारा यहाँ पे एक डिस्प्ले में बताया गया है। और ये बेस्ट, जी हाँ दोस्तों, मुंबई में जो बेस्ट की सरकारी बसें चलती हैं उनके लिए एक मिनी बस ये वाली चलती है फोर्स की। जी हाँ दोस्तों, आप इसे मिनी बस बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वो ही प्योर मुंबई सिटी बस वाली इसकी फीलिंग आ रही है। अगर इधर बात करें तो इधर फोर्स ने अपना दिखाए हुए हैं इनके इंजन। फोर्स इंडिया के अंदर ये BMW की मार्किंग क्यों है, यहाँ पे इंजन के ऊपर BMW की मार्किंग है, यहाँ पे इंजन पे BMW की मार्किंग है। तो मैं आपको बता दूँ, फोर्स इंडिया जो है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सारी कार्स को आप ध्यान से देखना, थ्री सीरीज को, BMW को, और इन गाड़ियों को फोर्स जो है अपने इंजन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, फोर्स इंडिया कोई छोटी मोटी कंपनी आप मत समझना, इंडियन कंपनी भी काफी आगे जा रही है। ये देखिए, ये सारे इंजन जो है फोर्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है इन कार्स को। यहाँ पे इन्होंने अपने इंजन वगैरह सब कुछ दिखाए हुए हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो इन गाड़ियों के अंदर ये भी देख लीजिए, CLA क्लास के अंदर ये इंजन जाता है फोर्स की तरफ से, सी क्लास के अंदर दिखाया गया है, ई क्लास के अंदर दिखाया गया है, ये सारे इंजन। और पीछे गाड़ियां दिखा रखी हैं भाई, इन गाड़ियों के अंदर ये वाले इंजन मर्सिडीज के लिए जाते हैं। और ये कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग इन इंजनों में बनते हैं। अब इधर की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़े ट्रक्स वगैरह के इंजन, MTU यहाँ पे दिखाया गया है, MTU को एक्सपोर्ट होते हैं। इधर भी देखिए, बड़े बड़े इंजन भी फोर्स इंडिया यहाँ से भेजता है। और यहाँ पे जो इनके इंजन वगैरह खरीदते हैं, यहाँ इन्होंने पूरा एक डिस्प्ले दिया हुआ है 2020 के अंदर कि किन किन कंपनीज को फोर्स अपने जो स्पेयर पार्ट है वो एक्सपोर्ट करता है, या कौन सी कंपनियां इनके स्पेयर पार्ट्स यूज करती हैं। ये देखिए, ये ई क्लास का जो रियर एक्सल है, मर्सिडीज ई क्लास की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ये भी फोर्स इंडिया की तरफ से जाता है। और इधर अगर आप देखेंगे ये GLE, जी हाँ दोस्तों, मर्सिडीज GLE के लिए रियर एक्सल फोर्स एक्सपोर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। और इधर भी इन्होंने इंजन अपने लगा रखे हैं। अगर इधर की बात करें तो फोर्स ट्रैवलर मोनो बस यहाँ पे शो की है फोर्स इंडिया ने। ये आपने अक्सर स्कूल में चलती हुई जो स्कूल बस होती है, ज्यादातर फोर्स की ही होती है। ये देखिए, स्कूलर लिखा हुआ है, लेकिन ये कायदे में तो ये एक स्कूल बस ही है। अगर इधर दिखाएं तो ये ट्रेवलर मेगना बस है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बस फोर्स ने यहाँ पे, एक ये बस भी फोर्स ने यहाँ पे शोकेस की हुई है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये है टेम्पो ई ट्रेवलर। यहाँ दोस्तों, आपने टेम्पो ट्रैवलर तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये है टेम्पो ई ट्रैवलर। यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिक में लाने की तैयारी है अभी फोर्स इंडिया की। इसको अंदर से दिखा देता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा टेम्पो ट्रैवलर, तो ये भाई टच स्क्रीन डिस्प्ले अब सब में आने लगी है। ये देख लीजिए पूरी अंदर से इसकी लुक, लेकिन मेरे को पर्सनली ये वाली सीटिंग ऐसे वाली पसंद नहीं आई, क्योंकि लंबे सफर में ऐसे बैठ के आदमी थक जाता है जल्दी। पर अगर ये इलेक्ट्रिक में है तो ये लंबे सफर के लिए नहीं बना है। तो दोस्तों, ये था फोर्स का आउटलेट 2020 एक्सपो के अंदर, और आपने कितनी सारी नई चीजें पता चली, किन किन गाड़ियों को फोर्स अपने इंजन एक्सपोर्ट करता है, चेसी एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, फोर्स इंडिया। सो फ्रेंड्स, दिस वाज टोटली न्यू, कंप्लीटली न्यू इंफॉर्मेशन फॉर मी। आई हैड नो क्लू अबाउट द कंपनी फोर्स, सो आई एम सो स्पेल बाउंडेड लिसनिंग टू दिस इज एन इंडियन कंपनी। And what actually surprised me the most, I should say, is that they are making engines and parts for BMW and Mercedes. So that is amazing. Imagine, these are the most expensive, considered to be the luxury cars in every part of the world. And Ford is making those engines. And even as they showed some, you know, rear axles and front axles and things like that. And they are sending it. So, oh my gosh, this is really, really fantastic. So, what a fantastic video. So much of information, and what lovely cars and buses. And my favorite was the first one that they showed, which was the Gorkha, you know, customized one. Oh my gosh, it was huge.
It was just meant, it looked like it was meant to take it into war or some really rugged areas if you're those kind of people who like to travel outside, you know, in the wilderness. So that was really fantastic to look. But I wish he would have shown a little bit of inside of that too. But anyway, from outside, it was fantastic. And buses and all, they were, especially the school bus, it looked exactly like the school buses that we have here in US. So this is really fantastic. Oh my gosh, I am really impressed. It's very good. I mean, very nice to see that in our time, I don't remember force. No, we didn't. I don't think so. You have to go back 25, 30 years ago, we had not heard about this company called Force. And of course, they have now come up. And they are, I was impressed by the part that they are importing the engines to, of course, just like me. I mean, they are actually manufacturing the engines per the specifications of BMW and Mercedes and sending it to them. And many times, I think parts of the supply chain, they will have many, many partners, many, many contract manufacturers. So every automobile has many contract manufacturers. I guess they are one of them. And for certain markets, they may be using their motors, their engines, wherever it's cost efficient, wherever the export import makes sense. And so this was good. And I was very impressed to see the electric vehicles that are going to come. So electric vehicles, Tesla is mostly known as the most successful company in electric vehicles. So if they come up with electric vehicles, that will be great. And they are coming up with big ones, not small size. I mean, the buses, the size of the vehicles was huge. Right. I mean, Tesla also has already come up with trucks. And they also have huge, big trucks. Like you see the bigger trucks. So Tesla also... But not buses. They were showing like some mini buses So Tesla has come up with huge trucks. Like any regular truck that you see, Tesla has those trucks also. They're coming into production and they are very fast. So similarly, I think it is very good to see that Force Motors is competing at a very fast level. Of course, they will have to kill the competition over there to win. And the buses, larger vehicles, and the Jeep. I mean, over here, the Jeep brand also has those customized vehicles, which you can just buy from their website. You can go to the website, you can choose a couple of things, you can call them. And you can say, I want so and so, and they will make it for you. You don't have to, you know, get the Jeep and then get it elevated. No, you can get the custom versions also. So all that is also being done. But it was very nice to see that so much is happening. And of course, they will have to be better in quality to beat the competition, right? Where the foreign companies simply cannot compete and they have to go. Like you have Honda, but Honda is made around 90% in America. So whatever they sell in America is made in America. So similarly, I'm thinking that whatever, you know, Honda cars are sold in India, mostly they are probably built in India. So that is a good concept, but a very good video, and very nice to see a company that is really, you know, getting ready to compete or is already competing with the foreign brands. Yes, friends. So very informative. And as I said, totally new information. I didn't know what Force was. So now I know it's a company. So guys, we hope you enjoyed watching these beautiful vehicles, beautiful cars, beautiful trucks and buses. So we'll go ahead and take your leave and we'll come back again in another video very soon. Till then, take care and bye-bye. Oh, and if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and hit the bell icon so it notifies you when I put in my new video for you to enjoy. Bye!